मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व प्रधान, एक वंदना दुबे का वीडियो वायरल हुआ है, घटिया प्रधान। तमाम प्रधान जो हैं ग्राम सभा के, वंदना दुबे का आरोप है कि मुझे धमकी दे रहे हैं फ़ोन के माध्यम से, कोई थाने जाकर फोन कर रहा है। मेरे साथ प्रधान मौजूद हैं, इनसे पूछूंगा क्या वंदना दुबे जो गाना गाए हैं सही गाए हैं गलत गाए। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदना दुबे जो गाना गाई हैं सीधा सीधा गलत गाई हैं। सारे प्रधान तो घटिया प्रधान होते नहीं, कुछ अच्छे प्रधान भी हैं। आप गाना गा रहे हैं तो सब पे लागू होता है आपका गाना, इसलिए आपको गाना सोच समझ के गाना चाहिए। उनको धमकी और विरोध नहीं, लेकिन उनके गाने का खुलेआम विरोध है कि उनको इस तरह गाना नहीं गाना चाहिए। नहीं, उनका कहना है, उनका कहना है कि हम एक गायक हैं, एक कलाकार हैं, मैं गीत के माध्यम से लोगों को गुनगुनाती हूँ, हंसाती हूँ। लेकिन सभी प्रधानों को क्यों बुरा लगा? जो ईमानदार हैं उनको नहीं विरोध करना चाहिए? प्रधान नागरिक नहीं है, प्रधान का सम्मान नहीं है? गांव का प्रथम नागरिक होता है प्रधान जी। आप उसको कह रहे हैं लैटरिनों खाए गए हैं प्रधान जी, ये गलत नहीं है? कहीं ना कहीं आपको भी दुख है? अरे भाई बिल्कुल, जब गलत गाएंगे दुख है ही। तो जो उनका आरोप है कि कई प्रधान हमारे फ़ोन नंबर पे, मोबाइल नंबर पे फ़ोन कर रहे हैं, कहीं कोई थाने से कर रहा है, सही है गलत? अब ये नहीं पता मुझे, ना उनका नंबर पता है। हाँ गाना सुनने में आया है, गाना उन्होंने गलत गाया है जिसका विरोध है। तो प्रधान संगठन क्या करेगा इस पे? प्रधान संगठन क्या करेगा, उनको इस तरह गाना नहीं गाना चाहिए। अब तो गाना तो वायरल हो गया है, गाना वायरल हो गया है, गलत गाई है। तो इस पे आप यही कहना चाहते हैं गाना को सुधार करें? गाना को बिल्कुल सुधार करना चाहिए। एक सम्मानित आदमी के खिलाफ इस तरह से आप गाना गाएंगे, लैटरिनों खा गया प्रधान जी, खड़ंजों खा गया प्रधान जी, तो जो बन रहा है वो कौन बना रहा है? उनका कहना था मत आ रहा है ग्राम सभा में लैटरिन नहीं बन रही है, सारे प्रधान लैटरिन खा रहे हैं, ये गलत गाना नहीं है? अरे इसमें गलत गाना क्या है? अरे बिल्कुल गलत गाना है, आप किसी के खिलाफ डायरेक्ट ऐसे कह रही हैं। तो नाम लेख थोड़ी गा रही हैं? तो सारे प्रधान हो गए, नाम लेख कहती तो ठीक है, कोई प्रधान गलत था उसका नाम लेख गाइए आप, कि जिसको आप व्यक्तिगत जानते हो। आप सारे प्रधानों को गा रहे हैं, जो ईमानदार है वो भी उसी में गाना सुन रहा है, उसके गाँव वाले भी उसको ले जाकर सुना रहे हैं गाना कि प्रधान जी सुना, ये लैटरिनों खाए गए प्रधान जी, ये गलत नहीं है? कहीं कहीं आप लोगों को लगा कि गलत है? बिल्कुल गलत। लेकिन गांव में इतना पैसा आता तो विकास हो क्यों नहीं पाता? विकास कहाँ नहीं हो रहा है, जिस गांव नहीं हो रहा है उस गांव के लिए गाएं। जिस गांव में हो रहा है संपूर्ण लाइटिंग जहां 100% बनी है, वो गाना तो उनके लिए भी लागू होता है ना। आप गाना गा रहे हैं, गाना वायरल हो रहा है, वो गाना सबके लिए होता है। जो 100% काम कर रहा है वो भी सुन रहा है, जो सारा खा गया वो भी सुन रहा है वो गाना। इस मामले में जब उनसे हमने उनके घर पे गए इंटरव्यू लिए, तो उन्होंने बताया कि जो ईमानदार है उनके लिए है गाना नहीं है, जो बेईमान है उनके लिए। कहीं लास्ट में बोली है इस गाने में कि बेईमान प्रधानों के लिए गा रहे हैं? उनके गाना में कहीं वक्तव्य है? अब आप जाएंगे पूछेंगे, आप बात सोशल मीडिया पर रखेंगे, इसलिए अवॉइड कर रही हैं, कह रहे हैं कि बेईमान प्रधानों के लिए है, लेकिन गा तो सबके लिए रही हैं कि लैटरिनों खाई गए प्रधान जी। तो अरे व्यक्तिगत आप जिसको जानते हैं उसका नाम लीजिए, या बेईमान प्रधानों कही बेईमान प्रधान लैटरिन खाई गए हैं, जैसे किसी ऐसे गाइए आप। जैसे किसी कलाकार को वो गाना गाई है, किसी कलाकार को अगर महिला को अगर फ़ोन से धमकी दिया जाए तो ये सही है गलत है? बिल्कुल गलत है, लेकिन महिला को भी इस तरह गाना नहीं गाना चाहिए कि कोई ईमानदार प्रधान इस चीज़ पर आमादा हो कि गाली गलौज करे। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन उनको इस तरह गाना नहीं गाना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि गांव में जब कई गांव उन्होंने कहे कि हम गए थे, वहां सामुदायिक शौचालय नहीं बना हुआ है, वो क्रियाशील है, उसके बाद आधा खड़ंजा बना हुआ, पूरा पैसा पास है, तो वही सब देख कर वो गाना गाई थी। आज के डेट में इस तरह कहीं काम नहीं होता है, जियो टैग होता है, नहीं बना है तो उसका पैसा पास नहीं होता है। दूसरी चीज़, शौचालय का भी जियो टैग कराया जाता है, बिना शौचालय के जियो टैग तो होगा नहीं। जियो टैग ऑनलाइन सिस्टम होता है जो गवर्नमेंट खुद चलाती है, तो मतलब गवर्नमेंट पूरी बेईमान है, तो पूरे गवर्नमेंट खिलाफ गाएं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ गाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ गाएं कि पैसा खा जा रहे हैं। कहीं कहीं आपको यही दुख है कि जो लैटरिनों खाई गई नहीं हो कुल खाई गई? बिल्कुल गलत गा रही हैं। अरे जहाँ का प्रधान बेईमान है उसके लिए गाइए आप जो गाना है। अगर यह वीडियो वंदना दुबे देख रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि गाना में सुधार करें, इस तरह गाना न गाएं दोबारा, नहीं तो विरोध होगा। विरोध तो है ही, अभी भी विरोध है, ये गलत गाना गा रहे हैं। वो भी तो कह रहे हैं कि हम थाने जाएंगे, रिपोर्ट लिखाएंगे। बिल्कुल जाकर रिपोर्ट लिखाएं, जो लैटरिन खा ले रहा है उसको रिपोर्ट कराएं, जो खड़ंजा खा रहा है उसकी रिपोर्ट कराएं। कौन सा विरोध है जी? पब्लिक है, पब्लिक किसी के ऊपर दरखास्त डाल सकती है, किसी के ऊपर FIR करा सकती है, किसी का विरोध कर सकती है। पब्लिक ने हमको भी चुना था, जो प्रधान मौजूदा है उसको भी पब्लिक चुन रही है,
प्रधान तो कोई पद तो है नहीं कि आप पढ़ाई करके पा गए जी। पब्लिक द्वारा दिया गया एक सम्मान है जो प्रधान वहन कर रहा है, अब उसमें कुछ बेईमान भी निकल जा रहे हैं, कुछ ईमानदार हैं, लेकिन आप इस तरह से गाएंगी तो आप डिफाइन कैसे करेंगे कौन बेईमान है कौन ईमानदार है? तो वो तो सबके लिए हो गया गाना ना। इस तरह से अगर गाएंगी तो आप लोग भी कानूनी कार्रवाई करवाएंगे? कानूनी कार्रवाई क्या करवाएंगे, उनको जो गाना है गाएं, हम उनका विरोध करेंगे, वो हमारे खिलाफ गाएंगे उल्टा सीधा, हम लोग भी उनका विरोध करेंगे, उनका अवॉइड करेंगे। जो सम्मान मिलना चाहिए कलाकार को नहीं मिलेगा उनको। कलाकार का तो हर आदमी सम्मान करता है जी, लेकिन कलाकार को भी चाहिए हर आदमी सम्मान करे जी, सम्मानजनक गाना गाए। जो गलत कर रहा है उसके लिए गलत गाइए, लगा देती है एक लाइन उसी में बेईमान प्रधान खा गया लेटिंगिया, तो लास्ट में सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल संतुष्ट हो जाते, जो बेईमान है उसके लिए था, जो बेईमान होता समझता कि हम खा गए हैं हमारे लिए गाया गया है, अब जो ईमानदार है उसके लिए भी आप गा रहे हैं, जो बेईमान है उसके लिए भी गा रहे हैं। मतलब गेहूं के साथ घुनव घुनव पिसा जा रहा है, ईमानदार भी पिसा गए, ईमानदार भी पिसा गया उसमें। लेकिन जिस तरीके से वो बता रहे थे, कहें कि ईमानदारों के लिए नहीं भ्रष्टाचारों के लिए है, लेकिन आपका भी कहना ठीक है कि जो बेईमान था लास्ट में बात वो रख देना चाहिए था। बिल्कुल बात रख के गाइए आप, किसी का विरोध हो तो बताइए जी। पप्पू भाई आप क्या कहेंगे? जो विरोध करने जाएगा वो खुद ही बेईमान साबित हो जाएगा ना, कि बेईमान प्रधान मैं हूँ इसलिए मैं विरोध करने जा रहा हूँ। आप लोग विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल जी। आप क्या कहेंगे भाई साहब? आप इधर से लीजिए, आप क्या कहेंगे? अरे ठीक ठीक नहीं, आप क्या कहेंगे? वो जो प्रधान जी बोले हैं बहुत सही बोले। क्या सही बोले? अरे जो बोले सही बोले भाई, और क्या बताइए। एक महिला को ऐसा धमकी दिया जा रहा, सही है गलत? तो महिला पहले गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया? अरे प्रधानों को, सारे प्रधानों का लिपक दिया ना, तो विरोध नहीं करेंगे लोग? गाली थोड़ी, घटिया प्रधान है, लैट्रिन खा गए तो गाली नहीं हुई, और क्या हुई? गाली की वो फूल है मोहब्बत वाला, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गीत के माध्यम से उसको सुधार कर ले, गीत माध्यम से क्या उसको सुधार करने बाद खत्म हो गया। महिला को धमकी आ रहा बता रही है। अरे कोई कौन धमकी देगा, कोई देगा वगैरह ऐसे सब कह रहे हैं, उसको सुधार कर ले बस। और अच्छा आप प्रधान की तरफ से कि गायक तरफ से हैं? अरे आप किसी तरफ से, सच्चाई की तरफ से। प्रधान इसे सम्मानित पद है प्रधान का, सारे प्रधान को आप गाली बक रही है, कितनी खराब बात है। आप संविधान को गाली बक रही है, देश को गाली बक रही है कि नहीं? गंदी बात, ऐसा नहीं करना चाहिए। गांव जाती हैं आप लोग, जाते होंगे, विकास तो रहता नहीं, सब चालू रहता है लेकिन कागज में चालू रहता है लेकिन वैसे नहीं चालू रहता है। हाँ तो विकास हो ही रहा है, आपको थोड़ा बहुत धोबे करता है इधर उधर, वो तो है भाई, ठीक है। थोड़ा बहुत तो गाना हो गया ना उसी में। नहीं तो नाम लेके प्रधान का, सारे प्रधान ना कहें, बहुत सारे प्रधान बहुत अच्छे भी हैं, बहुत ईमानदार, एक पैसा भी नहीं लेते। जैसे सिकरार ग्राम सभा का प्रधान असलम साहब है कि नहीं? ये पैसा वैसा नहीं लेते भाई, तुम सीधी बात है, डंके चोट पे। काम हो या ना हो, काम हो या ना हो, एकदम सही बात, काम हो या ना हो, लेकिन पैसा नहीं लेते ना लेंगे 5 साल, ये है 100% डन। तो आप मतलब कह रहे कि नाम लेके गाना चाहिए था? नाम लेके गाना चाहिए, और क्या? जो भ्रष्ट हो, भ्रष्ट नाम लेके है, भ्रष्ट प्रधान, भ्रष्ट मास्टर, जो जो भ्रष्ट है उसको कहे तो कोई बुरा नहीं कहेगा, भ्रष्ट हर जहाँ अच्छे बुरे सब जहाँ। बाकी महिलाओं को आप लोग सम्मान कर, महिला सम्मान की पात्र हैं, भारत देश ऐसा है महिलाओं को सम्मान नहीं करता, यहाँ तो देवियों की पूजा होती है। लेकिन वही गाना से दिक्कत हो गया। गाना से दिक्कत, गलत मत बोलिए ना, ना पुरुष महिला को बोले ना महिला पुरुष बोले जी, सही वो बोले, सम्मान वो उनका करें, वो उनका करें, काम चलेगा, बात हुई खत्म भाई साहब, ठीक है, धन्यवाद। प्रधान है, लैट्रिन खा गए, ये खा गए वो खा गए, तो जो गायक होता है एक कलाकार होता है। तो कलाकार होने का मतलब ये नहीं है भाई, किसी को भी एक सम्मानित पद है ना भाई, प्रधान एक सम्मानित पद है, अब उसको आप लैट्रिन खा लो या ये सब अशब्द भाषा है ना। प्रधान को उनके बारे में कमेंट करना चाहिए ना उनको, प्रधान के बारे में करना चाहिए। एक महिला को गाना गा दिया, उसको ऊपर फोन से धमकी आ रहा है। नहीं फोन से धमकी दे रहे हैं वो तो बात अलग है अपनी जगह, लेकिन महिला को भी अपनी मर्यादा में रह के बात करना चाहिए ना जी। तो आप लोग भी विरोध कर रहे हैं? नहीं विरोध गलत बात है ना, जो गलत है गलत है, जो सही सही जो। मेरे साथ मौजूद थे पूर्व प्रधान, एक नागरिक हैं, ये भी बातचीत हो रही थी। वंदना दुबे के गाना वायरल हुआ था, घटिया प्रधान, लैट्रिन खा गए प्रधान, तमाम बड़ा। लेकिन प्रधान का भी कहना ठीक है, अगर नाम लेके बात रखें ताकि किसी जो ईमानदार प्रधान है उसकी भी छवि ना खराब हो। फिलहाल हमारी रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके जो बताएं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप पेज पर देख रहे तो फॉलो करें, अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। जय हिंद।